नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट सेकेंड राउंड 31st अगस्त को हुआ और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। द मर्जर ऑफ डीए ऑफ 8088 पॉइंट इंस्टेड ऑफ 8576 पॉइंट एज पर डिमांड इन द चार्टर ऑफ डिमांड बाय वर्कमैन। अगर आप देखें, आपको याद होगा कि जो हमारे स्लैब की वैल्यू थी वो 0.07% थी, और अगर आप बीपीएस के हिसाब से देखें तो 7 बीपीएस में पॉइंट्स मर्ज हुआ था 1684 पॉइंट्स और डीए पर स्लैब था 0.24%। फिर उसके बाद 8 बाइपार्टाइट में 2288 पॉइंट्स मर्ज हुआ और डीए पर स्लैब 4.18% हुआ। फिर 9th बीपीएस में मर्जर ऑफ 2836 पॉइंट्स और ये 0.15% हुआ। 10th बाइपार्टाइट में मर्जर ऑफ 340 पॉइंट्स और ये 0.10% हुआ। और 11th बाइपार्टाइट में मर्जर हुआ 6352 पॉइंट्स और हमारे डीए का रेट 0.07% हुआ। और अब 12th बाइपार्टाइट में जैसा कि ये डिसीजन हुआ है कि 8088 पॉइंट का मर्जर होगा, जबकि डिमांड के हिसाब से ये मर्जर 8576 पॉइंट का होना था, यानी कि जो हमें लेस पॉइंट का मर्जर हुआ है उससे एक्चुअल लॉस 8.54% का होगा और जो मर्जर होगा वो 30.38% डीए मर्ज होगा। और जो प्रेजेंट डीए हमारा चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर 23, ये 44.24% है। और आगे जो नवंबर में क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और 11th बाइपार्टाइट में जो ये 0.07 स्लैब का वैल्यू आई थी वो बेसिक पे हमारा था। जो बेसिक पे इस हिसाब से देखिए तो 4.40 जो लास्ट बाइपार्टाइट मर्जर था, ऑब्लिक 6352 जो 11th बाइपार्टाइट में मर्जर हुआ, और अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आएगी वो 0.698, दैट इज 0.7%। और अब 12th बाइपार्टाइट में क्या इंपैक्ट होगा, बेसिक पे जो मर्ज हुआ था 11th बाइपार्टाइट में दैट वाज 6352 और अब जो मर्ज हुआ है वो 8088, यानी कि 0.785। और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट जो 8 होगा मल्टीप्लाइड बाय द अर्लियर स्लैब वैल्यू जी थी वो 0.07 थी, यानी कि दैट इज द 0.056, एंड राउंड फिगर में करेंगे तो 0.06% होगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में जब नया डिमांड हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली जो हमारा स्लैब का वैल्यू होगा वो 0.06% होगा। अगर आप देखें तो डीए मर्जर इस समय जो प्रेजेंट चल रहा है 8881-8088 793 पॉइंट्स बचते हैं, और स्लैब्स आएंगे हमारे 793 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 198, और एक स्लैब 0.06 का होगा, तो इसके हिसाब से जो परसेंटेज बनेंगे वो 11.88% है। यानी कि जब ये इस बीपीएस फाइनल होगा तो जो प्रेजेंट डीए हमारा 44.24% है वो घट के 11.88% हो जाएगा, और वो जो डीए मर्ज करेगा वो बेसिक पे में जुड़ेगा। यानी कि बेसिक पे अगर रुपीज 100 है तो बेसिक प्लस डीए दैट इज 144.24, और पोस्ट मर्जर के हिसाब से बेसिक पे 100 रुपीज और इस पे जो डीए हम मर्ज करेंगे 30.38% डीए, दैट इज इक्वल टू 130.38 बेसिक प्लस डीए, तो जो बेसिक हो गया इस समय 130.38 और इस पर जो डीए हमने कैलकुलेट किया है जो बचा हुआ है वो 11.88% है, यानी कि 145.87, यानी कि जो नेट इंक्रीज होगा
वो 1.1% इन सैलरी में इंक्रीज होगा, और जो हमारे डीए का वैल्यू है जो स्लैब कम होके 0.07 से 0.06% हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे यूनियन ने इस बात को तो मान लिया, अब स्पेशल अलाउंस अगर जुड़ता है फिर उसके बाद लोड कितना होता है, क्योंकि सारे कुछ कैलकुलेट करने के बाद जब वेज स्ट्रक्चर फाइनल होगा तो ये देखना जरूरी है कि पे स्लेप पे कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हम स्पेशल पे को हम बेसिक पे में जोड़ते हैं, यानी कि 36,000 अगर हमारा बेसिक पे है ऑफिसर्स का तो उसमें 16.4 स्केल वन के हिसाब से जो वैल्यू होती है लगभग 5,094 करीब होती है वो हम जोड़ते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट बेसिक पे लगभग 41,000-42,000 बनता है। लेकिन अगर ये मर्ज नहीं करेंगे और 88% है तो हमारा जो इंक्रीज होगा वो बहुत ही मीगर होगा। सो यूबीयू को लीडर्स में ध्यान देने की बातें हैं कि 36,000 प्लस 16.4 प्लस मर्जर ऑफ 808 पॉइंट, जिसमें ऑलरेडी हमारा 8.8% का लॉस चल रहा है, उसको प्लस लोड लेने के बाद जब वेज स्ट्रक्चर फाइनल करें तो कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो एक हमारा सम्मानजनक होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड गो टू एट पार विद द LIC आवर कंटेम्प्रेरी। सो यूपीयू के लीडर्स से ये गुजारिश है कि बड़े ही नाप तौल से, क्योंकि आपने तो शुरू से ही घुटना टेकना शुरू कर दिया है, सो जो हमारा बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो बेसिक पे और डीए है, बाकी HRA CCA ये सब एक इस तरह की बातें हैं जिससे हमारा सब कुछ भविष्य निर्धारण नहीं होता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर द नमस्कार।